हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल में ट्रेडिंग के बारे में सारी जानकारी दिए जाएंगे। या तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, या तो आप न्यूकमर हो, या तो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते ही हो, आपको सारी लेवल की जानकारी इस चैनल में मिलेगी। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि थर्सडे को एक्सपायरी के दिन हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। सारे स्ट्रेटजी मार्केट में हैं, लेकिन कौन से स्ट्रेटजी वर्क करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखते हैं थर्सडे स्पेशल। ये स्ट्रेटजी बस थर्सडे को हम लोग अप्लाई करेंगे और ये लाइव मार्केट में भी, मैं लाइव मार्केट का प्रॉफिट जो कल मैं प्रॉफिट किया वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि सही में ये स्ट्रेटजी वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, इसलिए मैं कल ट्रेड लिया था एक। ठीक है, मैं सारा जानकारी आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है, आज का स्ट्रेटजी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी सिंपल है। ठीक है, थर्सडे के दिन आपको क्या करना है, थर्सडे के दिन जिस दिन एक्सपायरी होगा आपको 1:30 बजे 1:30 में, ठीक है, 1:30 में आपको मार्केट में आना है। और आपको क्या करना है कि डे लो और डे हाई मार्क कर देना है। ठीक है, डे लो एंड डे हाई आपको मार्क कर देना है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, आपने इतना कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको बस वॉच करना है। अगर मार्केट 1:30 बजे के बाद डे लो ब्रेक करता है, डे लो ब्रेक किया, डे लो ब्रेक हुआ, तो हमें तुरंत से उस कैंडल में एंट्री करना है और उस कैंडल के ऊपर एसएल डाल के हमें ट्रेड को, हम ट्रेड में बैठ जाना है। ठीक है, और हमें प्रॉफिट बुक करना है। और सेम अगर डे हाई को हाई ब्रेक हो तो हमें कॉल बाई करना है और फिर हमें उस ट्रेड में रहना है जब तक आप उस प्रॉफिट को ले सकते हो। सिंपल, समझ गए आप लोग। मैं एक और समझा देता हूँ आपको क्या करना है कि 1:30 बजे मार्केट में आना है, या फिर आप पहले से अगर मार्केट में 9:15 से ही मार्केट में बैठे हो तो 1:30 बजे का जो कैंडल बना उस कैंडल को, उस कैंडल से पहले, उस कैंडल से आप लेफ्ट देखना, उस कैंडल से पहले उस दिन का जो भी डे लो, मतलब उस दिन का थर्सडे का जो लो होगा आप उसे मार्क कर देना और थर्सडे का जो हाई डे हाई होगा उसे मार्क कर देना। अगर मार्केट 1:30 बजे या फिर 1:30 बजे के बाद डे हाई या फिर डे लो को ब्रेक करता है, अगर डे हाई को ब्रेक करता है तो हमें कॉल बाई कर लेना है और हमें डे लो ब्रेक हो तो हमें पुट बाई कर लेना है। ठीक है, इतना हो गया सिंपल। अब यहाँ बात आता है कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि खोजना है 15 रुपया से लेके 35 रुपया तक का कॉल या पुट। ठीक है, सिंपल, हमें 15 रुपया से 35 रुपया का कॉल और पुट देखना है। जो 15 से 35 के बीच में कॉल और पुट मिल रहा हो हमें उसे बाई कर लेना है। ठीक है, सिंपल है, समझ गए होगे। तो चलिए मैं देखता हूँ कि कल जो थर्सडे था 13 अप्रैल को, उसमें हमें कैसे बाई करना था, कैसे क्या करना था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 1:30 बजे के कैंडल को मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये 1:30 बजे का कैंडल है। ठीक है, ये छोटा सा ग्रीन कैंडल है, ये 1:30 बजे कैंडल है। ठीक, आप लोग समझ रहे होगे। उसके बाद आप देखो कि मैं क्या करता हूँ, मैं इससे पहले लेफ्ट में डे लो यहाँ पे था, इसको मार्क कर दिया, और इससे पहले डे हाई फर्स्ट कैंडल हाई था, मैं यहाँ मार्क कर दिया। अब 1:30 बजे के बाद डे हाई ब्रेक हो या फिर डे लो ब्रेक हो हमें ट्रेड में एंटर कर जाना है। ठीक है, सिंपल। अब देखो आप यहाँ पे 3 बजे मार्केट ब्रेक करता है। ठीक है, 3 बजे मार्केट डे लो ब्रेक करता है और हमें उस कैंडल में एंट्री करना था। ठीक है, और देखो यहाँ से कितना पॉइंट हमें मिला है, ऑलमोस्ट आप देखो 100 पॉइंट हमें इस मार्केट में मिल चुका है। ठीक, आप समझ गए हो कि स्ट्रेटजी काम करता है या फिर नहीं करता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना आपको, 1:30 बजे ये कैंडल 1:30 बजे का था। ठीक है, 1:30 बजे का जो कैंडल रहेगा, ये कैंडल 1:30 बजे का था,
तो 1:30 बजे का जो कैंडल रहेगा उस कैंडल को अपन क्या करेंगे, एक मार्क कर देंगे कि ये 1:30 बजे का कैंडल है, 1:30 कैंडल, और उससे लेफ्ट में हमें देखना है कि डे हाई और डे लो क्या है। डे लो ये था और डे हाई ऊपर था फर्स्ट कैंडल का, तो हमने मार्क कर दिया। इधर ब्रेक हुआ, हमें पुट लेना था, कितना का लेना था, 15 रुपया से लेके 35 रुपया तक जो प्रीमियम चल रहा हो, ठीक है, उससे हमें बाई करना है, ठीक है। और आप बोलो क्वांटिटी, तो आप जितना रिस्क ले सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप जितना रिस्क रिवार्ड आप ट्रेड करते हो वो आप देख लो, आप उस हिसाब से ट्रेड करो, अब कितना क्वांटिटी बाई कर सकते हो, ठीक है, आप समझ गए होगे। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि कल के दिन मैं जो ट्रेड लिया थर्सडे को, ठीक है, मैं थर्सडे को जो 13 अप्रैल को ट्रेड लिया उसमें मैं कितना प्रॉफिट किया और कितने देर में प्रॉफिट किया, ठीक है, और मैंने एंट्री कहाँ पे किया, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूँ कि देखो ये जो कैंडल का ब्रेकआउट है डे लो का, ये हुआ ब्रेकआउट 3 बजे, तो मेरा एंट्री 3 बजे ही था, ठीक है, मेरा एंट्री 3 बजे ही था। और कहाँ पे था बाकी सब कुछ चलिए मैं दिखाता हूँ आप। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो मैं ब्रैकेट में किया हूँ, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। देखो मैंने बाय किया है 37,500, ठीक है, 37,500 मैंने बाय किया है पुट, पी मैंने बाय किया है, ठीक है, 17.85 रुपये पे, ठीक है। जैसे मैं बोला था कि 15 रुपये से 35 रुपये रहना चाहिए अपना प्रीमियम, तो 17.85 मैंने बाय किया 3:00, मतलब 3 बजे मैंने बाय किया, ठीक है। और 37,500 देखो ये सेल हुआ है 26.5 में, ठीक है, 3:01 में, मतलब 1 मिनट में मैंने खरीदा और बेचा। मैं ज़्यादा देर तक इसमें वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट में वॉलीटिलिटी कुछ ज़्यादा था, इसलिए मुझे लगा कि ऐसे एलिटी होने से अच्छा है जो मिल गया उसे लेकर प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आप ये देख लिए, अब इसी का देखो मैं इधर कैलकुलेट करके कुछ आप लोग के लिए रखा हूँ, आप लोग के मोटिवेशन के लिए कुछ। देखो मैंने एग्जिट किया 26.5 में और एंट्री किया था 17.85 में, ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस देखो तो 8.65 आएगा। तो मैंने क्वांटिटी बाई किया 400, ठीक है, तो 8.65 × 400 3460, मतलब कि 1 मिनट के अंदर, मतलब 60 सेकंड के अंदर, ठीक है, 60 सेकंड के अंदर मेरा बन गया 3460 रुपया, ठीक है, 3460 रुपया मेरा 1 मिनट के अंदर बन गया। और मैं इन्वेस्ट कितना किया था, 7,140, 7,140 कैसे आएगा, 17.85 जितना मैं कर रहा था इनटू आप 400 करना आ जाएगा, ठीक है, 400 क्वांटिटी आप करना तो आपके पास आ जाएगा 7,140, और रिटर्न कितना है 3460। अब देखो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा क्या है ना कि आप परसेंटेज में देखो कि आपको परसेंटेज में रिटर्न कितना मिल रहा। तो मुझे परसेंटेज रिटर्न इन 1 मिनट मिला 48.45%। आप सोच सकते हो कि 48% आपको 1 मिनट में मिल जा रहा, ये एक्सपायरी जो स्पेशल है 5 स्टार आपका जो सेटअप है वो कैसे काम करता है और कितना अच्छा सेटअप ये है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती एंट्री करना है, अगर ब्रेक होगा तभी एंट्री करना है, वो डे हाई ब्रेक हो या फिर डे लो ब्रेक हो, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होगे कि 48.45 का हमें रिटर्न मिला है 1 मिनट में, ठीक है। अब चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन सीख रहे हैं जीरो टू हीरो थर्सडे एक्सपायरी 5 स्टार ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। तो जीरो टू हीरो क्या है, जीरो टू हीरो क्या है कि मतलब आप जो प्रीमियम खरीदते हो 15 रुपया का, 15 रुपया से 35 रुपया का, वो प्रीमियम कभी कभी 400-500 भी हो जाता है, तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। वो भी देखो 9:15 बजे से 1:30 बजे तक आपको कुछ करना ही नहीं, आपके पास दूसरा स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करो, ठीक है, आपके पास दूसरा स्ट्रेटजी है। अगर आपको ट्रेडिंग मिल रहा है तो आप उस स्ट्रेटजी से ट्रेड करो, या फिर मैं जो CPR ट्रिक बताया हूँ CPR से आप ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपको मिल रहा है आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 1:30 बजे के बाद ये स्ट्रेटजी काम करेगा, और वो भी बस थर्सडे को। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि 1:30 बजने के बाद क्या होता है, जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाई रहते हैं उन लोग
निकलने लगते हैं धीरे धीरे, पोजिशन अपने बुक करके, प्रॉफिट बुक करके निकलने लगते हैं। उस रीजन से मार्केट एक फ्लो में निकलता है और वो जो मोमेंटम होता है मार्केट में वो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम होता है, और वो मोमेंटम अगर आपने पकड़ लिया तो आपका समझो कि पूरा वीक पूरा मंथ का प्रॉफिट जो रहता है आपका एक दिन में ही निकल जाएगा, 5-10 मिनट में ही निकल जाएगा। इसलिए ये सेटअप सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज सीखते हैं अपन कि ये सेटअप क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो 14 अक्टूबर का चार्ट है 2021 का, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैं कैंडल मार्क किया हूँ येलो कलर से जो हैमर टाइप बना है वो है 1:30 बजे कैंडल, तो उससे मैं लेफ्ट साइड देखा, तो लेफ्ट साइड देखा तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, ये थर्ड डे हाई, ठीक है, और ये थर्ड डे लो। तो मार्केट तो डे लो तरफ आ नहीं रहा था, मार्केट तो अगला कैंडल इससे ऊपर ही बनाया, तो मैंने डे हाई डे लो मार्क किया। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया इस कैंडल के नीचे अपना एसएल रहेगा और यहाँ पे अपना एंट्री हो जाएगा, ठीक है। आप देखो 443 पॉइंट हमें मिला है, ठीक है, 473 पॉइंट हमें मिला है। अगर आप 15 रुपया का प्रीमियम बाय करते तो ये कम से कम 90 से 100 रुपया हो जाता या उससे ज़्यादा ही हो जाता, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि रिटर्न कितना अच्छा आपको मिलेगा। छोटा सा एसएल आपका रहेगा, 4-5 रुपया का एसएल रहेगा आपका, आपका रिटर्न देखो कितना बेस्ट रहता है। नेक्स्ट चार्ट में देखा जाए, देखो इस दिन भी क्या हुआ, 1:30 बजे का कैंडल ये था जो रेड कैंडल है, उसके मैं लेफ्ट में देखा डे हाई डे लो क्या था, तो यहाँ पर डे हाई था और ये था अपना डे लो, ठीक है, डे हाई डे लो दोनों था। अब क्या होता है, मार्केट डे लो के पास आता है, एक अच्छा सा मूव दिखाता है और यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक हुआ हमें एंट्री लेना था, और आप देखो 436 पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है। आप देख सकते हो कि पॉइंट कितना बड़ा बड़ा हमें मिल रहा है 1:30 बजे के बाद थर्सडे के दिन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। देखो मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, आप दूसरा स्ट्रेटेजी से बाई कर सकते थे, ठीक है, डे लो ब्रेक हुआ आप कर सकते थे, फिर यहाँ डे लो ब्रेक हुआ फिर आप इतना ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद ये एक जोन में आ गया मार्केट, ठीक है, जोन में आ गया, और ये 1:30 बजे का कैंडल था, 1:30 बजे के कैंडल से मैंने लेफ्ट देखा तो यहाँ पे डे लो था, डे लो जैसे ही ब्रेक हुआ मेरा ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हो गया, और आप देखो 673 पॉइंट हमें यहाँ भी इस ट्रेड में मिला है। तो सोचो पुट बाई में हमें कितना प्रॉफिट होता और हमारा 15 से 35 का जो प्रीमियम रहता वो कहाँ चला जाता। ये कम से कम तो समझो कि आप 15 से 35 का जो प्रीमियम रहता वो समझो कि 150 रुपये प्लस चला जाता ये, 150 से 200 रुपये, क्योंकि एक फ्लो में मार्केट निकल रहा, देखो आप एक फ्लो में मार्केट निकल रहा, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट डे का देखा जाए, आप बस ध्यान से देखना है कि वर्क कर से कैसे करता है, एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। 1:30 बजे कैंडल को आप मार्क कर दो जैसे मैं मार्क कर दिया, और उसके लेफ्ट में देखो डे हाई यहाँ पे है, मार्केट उधर जाने से रहा, डे लो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक किया हमें एंट्री लेना था और हमें 165 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम मिल गया, ठीक है। आप देख रहे हो कितना सिंपल चीज़ और कितना अच्छे तरीके से मार्केट में काम करता है। इसलिए ट्रेडिंग को ज़्यादा हार्ड बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम यह है कि जो जितना इजी हो सके उतना इजी ट्रेड कर सके लोग। यहाँ भी आप देखो कि एंट्री अपन यहाँ पे लिए, सॉरी यहाँ पे 1:30 बजे कैंडल था, यहाँ पे डेलो था, डेलो जैसे ही ब्रेक हुआ अपना एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ और फिर अपन आराम से 138-140 पॉइंट बुक कर लिए। तो ये भी समझो कि अगर आपका 35 रुपया, अगर मान लो आपका 30 रुपया का प्रीमियम है आपने बाय किया है, तो ये कम से कम समझो तो 60-65 रुपया हो जाएगा, 60-65 रुपया लगभग ये प्रीमियम आपका चला जाएगा। तो आप समझो कि डायरेक्ट डबल हो जाएगा, जैसे कि आपने जितना भी प्रीमियम खरीदा उसे डबल हो जाएगा मार्केट में थोड़ा ही देर में। यहाँ पे देखो कितना अच्छा फ्लो मिला, डे हाई था, ठीक है, ये डे लो था, ये कैंडल के जस्ट नेक्स्ट बाद ये कैंडल मार्केट को ब्रेक करता है, ठीक है,
मार्केट को ब्रेक करके एक रेंज बना देता, ठीक है। मार्केट एक रेंज बनाया, देखो ब्रेकआउट के बाद मार्केट हमें जो दिया है 304 पॉइंट। आप सोच सकते हो 304 पॉइंट मार्केट भागा है एक फ्लो में डे हाई ब्रेक करने के बाद। तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, बस आपको खुद भी बैक टेस्ट करना पड़ेगा। वैसे मैं एक साल का पूरा चार्ट में निकाल दिया हूँ आपके सामने, आप बैक टेस्ट ना भी करो तो मेरा वीडियो अगर आप दो तीन बार देख लोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। और इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में बता देना कि मैं और क्या सुधार सकता हूँ वीडियो में, और आपको और किस वे से समझा सकता हूँ, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो 1:30 बजे का कैंडल ये है, डे हाई ये है, डे हाई ब्रेक होता है, मार्केट हमें देता है 332 पॉइंट, ठीक है। डे हाई ब्रेक हुआ, मार्केट एक सपोर्ट लेता है नीचे, जो इस जोन था जहाँ मार्केट फंसा हुआ था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट एक फ्लो देता है ऊपर, दिख रहा होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट में आप देखो ये है 1:30 बजे का कैंडल, इसके लेफ्ट में डेलो ये है, ठीक है। इधर ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ पे अपना एंट्री हुआ डेलो ब्रेक होने पे, और हमें 250 पॉइंट मिला। आप सोचो कि इतना पॉइंट आपको एक कैंडल में मिल रहा है, और आपको मतलब एक दिन में मिल रहा है, और आपको प्रीमियम बाई करना है 15 से 35 रुपये का, ठीक है 15 से 35। तो अगर आप 15 रुपये का प्रीमियम पकड़ते हो, ठीक है, तो अगर आप 500 क्वांटिटी भी लेते हो तभी समझो आपका ज़्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, और ये देखो कितना जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हो कि जब 250 पॉइंट ये दिया तो 15 रुपये वाला आपका कम से कम 80-90 पहुंच जाएगा, या फिर 100 भी जा सकता है, ठीक है। आप समझो कि 15 से डायरेक्ट अगर 100 चला जाए तो आप सोचो कि 500 से मल्टीप्लाई करके आपको कितना फायदा होने वाला। तो ये बस आप कैलकुलेट मत करना, आप ये बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो कि कितना अच्छा वर्क किया इस दिन। देखो अब बताओ कि ऐसे ऐसे मार्केट में लोगों को फिर पूरा मंथ भर ट्रेडिंग में काम करने की क्या ज़रूरत है। जैसे लोगों का रहता है कि पर डे ट्रेडिंग में 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक लोग बैठते हैं, सोचते हैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा, डेढ़ लो टूट रहा, डे हाई टूट रहा, रेसिस्टेंस मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा, जोन टूट रहा है, फिर हैमर बन गया, कुछ भी हो गया। सिंपल, आप थर्सडे को बस ध्यान से मार्केट में बैठो, 1:30 बजे का कैंडल ये है, 1:30 बजे से पहले अगर अपन देखते हैं, 1:30 बजे से पहले देखते हैं तो अपन लो यहाँ पे है, देखो लो यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि 1:30 बजे जो क्या बोलते हैं 1:30 बजे का जो कैंडल बना है वही लो को तोड़ चुका है, ठीक है, लो को तोड़ चुका है। तो अपन क्या करेंगे कि उसी कैंडल के बाद जो कैंडल बना उसको अपन लो मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक देखो 15-20 मिनट मार्केट एक जोन में ठहरा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर 15-20 मिनट मार्केट एक जोन में ठहरा, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल उसको ब्रेक किया, डेलो ब्रेक हुआ, मार्केट 750 पॉइंट हमें दिया। अब आप समझ जाओ कि 15 का प्रीमियम आपका कम से कम तो 250-300 हो जाएगा, 250-300 भी से ज़्यादा हो सकता है 15 रुपये का प्रीमियम। और आप कैंडल देखो कैसा कैंडल बना है, कितना प्यारा कैंडल सब बना है। तो आप समझ सकते हो इसे देख के कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, बस आप एक छोटा सा स्ट्रेटजी सीख जाओगे तो। चलिए अब नेक्स्ट देखता हूँ। डेलो यहाँ पे है, एक 30 का कैंडल ये है, डेलो ब्रेक होता है, हमें 433 पॉइंट का मिलता है मूव। और आप देखो 1, 2, 3, 4 कैंडल में ही मतलब हमें 20 मिनट में 400 पॉइंट मिल गया, 450 पॉइंट, मतलब कि 15 रुपये का प्रीमियम हमारा कितना हो गया, 150 से 200 प्लस हो गया,
₹15 का प्रीमियम हमारा। तो हमें बस यही फ्लो पकड़ना है, अपन को मोमेंटम से बस मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो एक छोटा मूव मिला डेलो ब्रेक होने के बाद 114 पॉइंट का, ठीक है। ऐसे ही आपको ये मूव छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर ₹15 का प्रीमियम अगर मान लो कि ₹30 भी हो जाता है, 15 का प्रीमियम अगर ₹30 भी हो जाता है और आपके पास अगर क्वांटिटी अच्छा है, तो आप समझ ही सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है और छोटे टाइम में, 10-15 मिनट के अंदर। नेक्स्ट देखो, मार्केट पूरा टाइम देखो कि एक जोन टाइप में बना हुआ था। 1:30 बजे का कैंडल ये था, उससे पहले मार्केट ने लो यहाँ बनाया था, तो मैंने लो हाई डे लो डे हाई मैंने मार्क किया, ठीक है। डे लो मार्केट ब्रेक किया, अपना यहाँ बाई ट्रिगर हुआ। अब देखो 619 पॉइंट हमें मिला है मार्केट में। आप सोच सकते हो कि प्रॉफिट किस लेवल में आपको होगा। आपको समझ जाओ कि एक दिन आप थर्सडे को बस प्रॉफिट करोगे, फिर आपको पूरे मंथ ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या फिर आप ट्रेड करोगे भी तो एक ट्रेड पर डे लोगे तो भी आपके लिए बहुत है। आपको 5-6 ट्रेड पर डे नहीं लेना पड़ेगा, जो लोग प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए ओवर ट्रेड करते हैं, ठीक है। आपको ओवर ट्रेड करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट पहले से रहेगा, तो आपके दिमाग में तो ये तो है ना कि मेरे पास प्रॉफिट तो है ही, तो मैं ज़्यादा ट्रेड क्यों लूँ और अपने ट्रेड जो प्रॉफिट बना उसको मैं लॉस लॉस में क्यों कन्वर्ट करूँ। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखो फिर से 1:30 बजे का कैंडल ब्रेक, 1:30 बजे का कैंडल ये है, डे हाई ये है, यहाँ पे ब्रेक होता है, अपना एंट्री बाय होता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से 318 पॉइंट हमें देता है, ठीक है। तो ये बस है कि आप मार्केट में कैच कैसे कर सकते हो, लाइव मार्केट में आपको बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखो डे हाई ब्रेक होता है, मार्केट 342 पॉइंट हमें दे देता है एक फ्लो में। तो मार्केट में जो मोमेंटम रहता है, वो मोमेंटम में आप अगर एंटर कर गए, तो आपके ऊपर है कि आप कब तक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर जब तक अपोजिट कलर का कैंडल ना मिले आप तब तक रुक जाओ, या तो फिर कोई रिवर्सल कैंडल ना मिले आप तब तक रुक जाओ, ठीक है। या तो आप कोई मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हो, वो मैं बाकी अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 1:30 बजे का कैंडल ये था, ठीक है, और 1:30 बजे का कैंडल ही प्रीवियस लो को तोड़ा, जो कि एक मार्केट जो कि मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था, उसको एक बड़ा सा कैंडल तोड़ा जो 1:30 बजे का एक कैंडल था, और हमें 760 पॉइंट मिला। ये पॉइंट आप समझ जाओ कि 35-30 रुपया, मैं मानता हूँ कि 30 रुपया का प्रीमियम आपका कम से कम तो 350 रुपये हो जाएगा, 300 से 350 आपका हो जाएगा ये प्रीमियम जब ये मूव करेगा 750 पॉइंट। तो नेक्स्ट देखो, फिर हमें डेलो का ब्रेकआउट हुआ और हमें 232 पॉइंट मिला। तो कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल है, सबसे सिंपल आप समझो कि ट्रेडिंग का कोई तरीका हो तो यही सब है। मैं फिर से आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 1:30 बजे का, ये मान लो कि 1:30 बजे का कैंडल है, ठीक है, मार्केट ऐसे ऐसे बन रहा, ठीक है, ये 1:30 बजे से पहले मार्केट बना है, ठीक है, 1:30 बजे का कैंडल है। तो अपन को क्या करना है कि 1:30 बजे से पहले डे हाई डे लो मार्क कर देना है। तो मैंने डे लो मार्क कर दिया, ठीक है, और डे हाई यही कैंडल था, मतलब कि 1:30 बजे का जो कैंडल है वो डे हाई को ब्रेक कर दिया। अब देखो जो फ्लो आएगा मार्केट में, बहुत अच्छा फ्लो आएगा, और हमें बस इस मोमेंटम में घुसे रहना है, बैठ जाना है बस हमें मोमेंटम में, हमें एक अच्छा खासा कॉल में प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ भी देखो मार्केट में डे हाई ब्रेक होता है, उसके बाद हमें एक अच्छा 292 पॉइंट अप्रोक्स प्रॉफिट मिल जाता है पॉइंट का, ठीक है। अपन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी देखो 1:30 बजे का ये था, मार्केट देखो कितना सुंदर फ्लो में चल रहा था, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 1:30 बजे तक ट्रेड करना ही नहीं, आप CPR से ट्रेड कर सकते हो, CPR का मैं सारा वीडियो डाल चुका हूँ और भी बहुत सारा मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे।
आप सीपीआर का स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर सकते हो, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का कर सकते हो, गैप डाउन स्ट्रेटेजी से कर सकते हो, आप ओपनिंग कैंडल का स्ट्रेटेजी से कर सकते हो, मूविंग एवरेज आरएसआई जो भी आप लगाते हो, आप जिससे भी ट्रेडिंग करते हो, आप जिससे सूटेबल हो आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। उस पर आप ट्रेडिंग करो, 1:30 बजे हाई ब्रेक होता है मार्केट का और हमें 283 पॉइंट आसानी से मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इस दिन देखो मार्केट में क्या होता है। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो मार्केट का ये डे हाई था, ठीक है, और ये डे लो था जो कि 15-20 मिनट का पहला ही चार कैंडल ने डे हाई डे लो बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ना तो डे हाई ब्रेक किया ना तो डे लो ब्रेक किया, और डे लो मार्केट में यहाँ ब्रेक होता है उसके बाद भी मार्केट में इतना दूर तक एक जोन में रह जाता है मार्केट। डे लो का जो क्या बोलता हूँ जो 130 कैंडल था, ठीक है, 130 कैंडल से पहले डे लो ये था, अपन मार्क कर दिए, कहीं इधर ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ पे ब्रेक हुआ, अपना एंट्री ट्रिगर हुआ, 270 पॉइंट हमें आसानी से मिल गया। तो छोटा सा स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ भी देखो डे हाई ब्रेक किया, हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। तो मैं ढेर सारा चार्ट बैक टेस्ट करके आप लोग के लिए लाया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, और पूरा आप एक साल प्लस का है, ठीक है, ये आप समझ लो कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अभी तक आप समझ लो कि 14 अप्रैल तक आपके पास पूरा चार्ट है, ठीक है। और भी चार्ट था लेकिन मैं थोड़ा वीडियो छोटा करने की वजह से मैं पूरा इंक्लूड नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप समझो कि मैं पूरा एक साल प्लस का मैं वीडियो दे दिया हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि आपको बैक टेस्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरा वीडियो 2-3 बार देख लो, आप समझ लो, पूरा वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करके देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, थर्सडे को बस सिंपल जैसे मैं किया हूँ 1:30 बजे कैंडल को आप मार्क कर दो, उससे पहले लेफ्ट में देखो जो भी डे लो बना था उससे मार्क कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन से, जैसे ही ब्रेक होता है एंट्री ले लो, ठीक है, छोटा सा 5-6 रुपये का एसएल डाल दो और 290 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1:30 बजे का ये था डे हाई, यहाँ था ये ब्रेक हुआ, हमें 246 पॉइंट यहाँ भी मिल गया। अब समझो कि अगर आपको ऐसा सा प्रॉफिट मिल जाएगा तो आपको पूरे वीक अप्रोक्स ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, फिर आप ट्रेड करोगे भी तो आपको ओवर ट्रेड करने से आप बच सकते हो, क्योंकि आप पहले से ही बहुत प्रॉफिट में हो और आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मार्केट तभी हमें अच्छा मूव देता है जब कोई अच्छा रेंज ब्रेकआउट होता है, या तो मार्केट हमें तभी फ्लो देता है पैसा कमाने का जब मार्केट एक फ्लो में निकले। फ्लो में निकले मतलब क्या है कि मार्केट कुछ टाइम तक एक जगह स्पेंड किया हो, ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट वहाँ से फ्लो हो रहा तो बहुत अच्छा निकलेगा। बाकी ढेर सारा स्ट्रेटजी है और ढेर सारा बैक टेस्टिंग है मेरे पास जो मैं धीरे धीरे करके वीडियो में लाता रहूँगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में नए नए आए हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।